हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज मेरे पास आप सबके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं अमित बराना के बारे में। तो अपने नए चैनल के अनाउंस किए हैं, तो अभी देखिए वो क्या बोले हैं। स्वाइप अप करें नए चैनल पर, नई वीडियो जाकर देखें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो आपका मन करे वो करें, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपका चैनल है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करें, स्वाइप अप। तो कैरी मियाटी अपने वेब सीरीज के बारे में अपडेट देते हुए ये बोले थे। वेब सीरीज का क्या सीन हो रहा है, बनाएंगे भाई, टेस्ट एंड ट्रायल करेंगे थोड़ा। अगली न्यूज़ है भुवन बाम के बारे में। तो उनको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है, तो आप भी देखिए वो क्या। आज मेरी आंख खुली तो मुझे अपने कमरे में कुछ ऐसा दिखा जो कि किसी सपने से कम नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैं एमएस धोनी का कितना बड़ा फैन हूँ। फैन भी एक अंडरस्टेटमेंट है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो आपके सामने आ जाएंगे तो वक्त रुक जाता है, तो एमएस धोनी उनमें से एक है। तो मुझे अपने कमरे में ये दिखा, सीधा दुबई से आज मेरे घर पे क्या आया, एमएसडी की साइन करी हुई चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी। हार्ट अटैक, मिनी हार्ट अटैक, आज नींद अच्छी आएगी। थैंक यू एमएसडी। अगले 2 दिन तक यही पहन के घूमूंगा, कहीं भी जाऊंगा यही पहन के घूमूंगा, और फिर उसके बाद इसको यहाँ पे लैमिनेट, इस दीवार पे लैमिनेट करके लगा दूंगा। मतलब जो लोग मेरी भावनाएं समझते हैं वो समझ ही रहे हैं कि मेरे को कैसा फील हो रहा है अभी। तो अगली न्यूज है बाबा के ढाबा के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी अपने चैनल पे एक वीडियो पोस्ट किए हैं जिसमें वो स्वाद ऑफिशियल को एक्सपोज किए हैं। भाई आज 25 अक्टूबर है और लक्ष्य भाई की वीडियो के जरिए हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि बाबा के पास अभी कितना ऑनलाइन फंड आ गया और कितना ऑफलाइन फंड आ गया, क्या क्या प्रॉब्लम बाबा को फेस करनी पड़ रही है। तो बाबा आप ये बताओ, आपके पास ऑफलाइन फंड तो आ गया, कैश में तो पैसा आ गया, ऑनलाइन अभी तक कोई दे गया या नहीं दे गया? ऑनलाइन हमारे पास कोई मदद नहीं पहुंची है, जो भी आया कैसे आया है। और उसके अलावा हमें गौरव जी ये मना कर दिए थे किसी के अकाउंट नंबर मत दो। अच्छा, गौरव ने मना किया था अपना अकाउंट नंबर किसी मत को दो। मत दो, क्यों? एक रात में वही अकाउंट नंबर हम दिया तो बोले कि अब किसी को मत दो अकाउंट नंबर, तब से हमारा मोबाइल हमारे पास नहीं है, हमने दे दिया दूसरे को, हमने दे दिया सुशांत को। तो भाई जब से वीडियो वायरल हुई अगले दिन से बाबा का फोन नंबर मेरे पास है और गौरव ने बाबा को मना कर दिया था कि अपना अकाउंट नंबर किसी को मत दो। उसके बाद स्वाद ऑफिशियल ये वीडियो पोस्ट किए थे। तो मैंने श्योरिटी दी थी कि इनका पैसा इनका ही है और इनको हम जरूर लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी स्पेकुलेशन आ रही है मीडिया पे और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई गौरव भाई ने बाबा के पैसे नहीं दिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं आया। जो पैसा इनके लिए आया था सिर्फ इन्हीं का ही था और मैंने बाबा को श्योरिटी दी थी, बाबा आपके पैसे मेरे पास सेफ एंड साउंड है, आपको जब भी चाहिए बस आप मुझे एक बार फोन कर देना। और बाबा का फोन आया और बाबा ने बोला भाई मेरे को जरूरत है, तो देखो मैं चेक लेके आ गया, बाबा आपके नाम पे लोगों ने भेजे हैं 2,33,677 रुपए। क्या बात है, थैंक यू सो मच गाइस, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है कि आपने इतना प्यार दिया बाबा को। प्लीज इसी तरीके से डोनेट करते रहिएगा और लोगों की मदद करते रहिएगा। बाबा आज से आपका मेरा लेन देन तो नहीं रहा कुछ? नहीं बेटा, कोई लेन देन नहीं, कोई लेन देन नहीं है, मगर एक बात है, प्यार मोहब्बत ये कभी हो नहीं सकती। ऐसे स्माइल करके दिखाओ सर, क्या अम्मा आप ही स्माइल करके देखो, ये इनका प्यार है, ये मुझे आज भी आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि मेरी इनसे कोई नाराजगी नहीं है। और जो भी लोग मेरे को नीचा ठहराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई ऐसा मत करो। थैंक यू भाई। और उसके कुछ ही देर बाद लक्ष्य चौधरी रिप्लाई में ये बोले थे। तो भाई बोलते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने कहा था गौरव अगर 26 तारीख को मेरी वीडियो शाम को 5 बजे आई है तब तक तूने पैसा नहीं दिया बाबा को, मत देना लोगों को वापस करना। लेकिन ये बंदा पैसे देने अभी गया मेरी वीडियो आने के बाद, क्योंकि खोट था इसकी नियत में, और 2,33,000 रुपए का चेक देने गया। वो भी क्यों देने गया ये, क्योंकि वीडियो में मैंने बात की कॉल रिकॉर्डिंग के जाए 2,00,000 कुछ रुपए कबूल कर रहा है, लेकिन इसने यूट्यूबर्स के सामने एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू में 20,00,000 रुपए कबूल है। मैंने वो बात जान के नहीं बताई थी क्योंकि मुझे पता था ये इतने ही पैसे देने जाएगा जितने मैं बोलूंगा। अब इसने 20,00,000 रुपए सोशल मीडिया पे कबूल कर रखे हैं। तो भाई गौरव सबसे पहली बात यह है कि 20 लाख से ज्यादा का कलेक्शन है, तूने 20 लाख रुपए एक रात के उस दिन जिस दिन पहले दिन वीडियो वायरल हुई थी बड़े बड़े यूट्यूबर से बोली है, वो आके कन्फेस कर लेंगे फिर उस बात को। और मतलब 2 हफ्ते से तुझे टाइम नहीं लगा, मेरी वीडियो आते अगले घंटे तेरे को टाइम लग गया वहां जाके, और तू जैसे उनसे बात कर रहा था मुझे वहां से पता चली है। भाई ये सब मत कर भाई, दबाव मत बना, अभी कल एक और वीडियो आ रही है सम्राट की, सब पता। तो आज के लिए बस इतने, अगर कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।